और दूसरी बात क्या बताई गई है? झूठ बोलने वाली जीव। आज बहुत सी जीवें हैं जो झूठ बोलने को तैयार रहती हैं। झूठ बोलने को तैयार रहती हैं। उनका काम क्या है? झूठ बोलना। बात बात पर सुबह से शाम तक झूठ बोलते रहते हैं। इसके खिलाफ झूठ, उसके खिलाफ झूठ। ये झूठ बोलने का जो काम होता है ये बड़ा ही बुरा होता है और परमेश्वर की दृष्टि में ये बहुत ज्यादा घृणित है। एक व्यक्ति था जिसने बहुत भयंकर पाप किया था। शाऊल के समय में जब दाऊद शाऊल का विरोधी था, उस समय वो शाऊल राजा जब दाऊद का विरोध कर रहा था, उस समय दोयोग नाम का एक व्यक्ति था जिसने आके शाऊल को झूठ बोला। उसने बोला कि दाऊद के विषय में वो महायाजक जो है वो दाऊद को सपोर्ट कर रहा है, दाऊद के फेवर में। और इस झूठ को सुनने के कारण शाऊल ने क्या करा? शाऊल ने उसकी बात पर यकीन किया। और जब उसकी बात पर यकीन किया तो क्या किया? शाऊल ने गुस्से में आके उस महायाजक को मरवा दिया। एक के झूठ के कारण क्या हुआ? वो महायाजक मारा गया। और बाद में जब फिलिस्तीनियों के साथ युद्ध हुआ शाऊल का, तो शाऊल भी मारा गया। और बाद में दोयोग नाम का जो व्यक्ति था यह भी मारा गया। यानी एक झूठ बोलने के कारण तीन लोगों की हत्या हो गई। आपका झूठ कितने लोगों के प्राण को ले सकता है आप नहीं जानते। अगर आप किसी पति से बोल दो उसकी पत्नी के विषय में कि तेरी पत्नी कैरेक्टरलेस है, वो चरित्रहीन औरत है, वो पुरुष गलत पुरुष के साथ उसे संबंध बना रखे हैं या उस पुरुष के साथ उसका संबंध है, तो क्या करेगा? वो क्रोध से भर जाएगा आपके झूठ के कारण। और उसके बाद हो सकता है क्रोध में आके उसकी हत्या कर दे, क्रोध में आके उसके जीवन का नाश कर दे। तो परमेश्वर झूठ बोलने वाली जीव से भी घृणा रखता है। ध्यान रखना, आपकी जुबान से झूठ नहीं निकलना चाहिए। झूठ मत बोलना कभी भी, क्योंकि झूठ बोलने वाला व्यक्ति कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। वचन में लिखा है कुरिन्थियों में कि झूठ बोलने वाला भी, झूठा कोई व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। आज मनुष्य दिन प्रतिदिन केवल झूठ ही बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हैं और झूठा हमारा जीवन है, तो विश्वास मानना कोई भी झूठा स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। आज मनुष्य झूठ बोलता रहता है, ये उसका जीवन है। और झूठ बोलने वाली जीव से परमेश्वर घृणा रखता है। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो इस बात का ध्यान रखना वो परमेश्वर का बैरी है। परमेश्वर का बैरी है वो परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा है। भले चर्च आ रहा है, भले वचन को सुन रहा है, फिर भी परमेश्वर का बैरी है, क्योंकि वो झूठ बोलता है, वो झूठ बोलने वाला व्यक्ति है। इस बात को समझें।